हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, यश रुद्र लाइफ ब्लॉग में। और बताइए आप लोग कैसे हैं। देखिए मेरा लड्डू कुरकुरा खरीद के लाया है, उसमें ये वाला गाड़ी पड़ा है, एरोप्लेन हवाई जहाज। बोलो लड्डू बाय बाय दीदी, बाय दीदी आपका लाना। और बताइए आप लोग कैसे हैं। शाम हो चुका है, मैं खाना बना रही हूँ, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बना रही हूँ, देखिए इसमें लिट्टी बॉयल हो रहा है। उधर उधर आलू बॉयल। कुरकुरा खरीदा है, इसी में पड़ा है। इसी में पड़ा है हवाई जहाज। इसी के लिए कितना टाइम से बोल रहा था, खरीदने के लिए रो रहा था, तो जी पैसा तो गया तो खरीद के लाया है, अब खेल रहा है। ठीक है, खाना बना लेती हूँ लिट्टी चोखा, उसके बाद मैं आप लोग से बातें करूँगी। बहुत सारी बातें हैं करूँगी, आज शेयर करूँगी आप लोग के साथ, बात करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय। देखिए फ्रेंड, मेरा लिट्टी उबला गया है, बॉयल हो गया है, अब इसमें तलेंगे, तभी कढ़ाई गर्म हो रहा है, तेल डाले नहीं है, डाल के तेल उसके बाद से तलेंगे। लिट्टी तल गई है, तल लेती हूँ, फिर आप लोग से बातें करती हूँ। देखिए इसमें तल के रख दी हूँ, देखिए इसमें और तल के रखी और तल गई। लिट्टी बन गया, मैं खा ली, सब कोई खा लिया, मैं भी खा ली, लड्डू भी खा लिया, हम खेल रहे हैं और खेल रहा है गाड़ी। देखिए क्या के लिए हो, लड्डू दिखा दो, बन रहा है ये दिखा दे। देखिए क्या लिया है, बरा रहा है, बल्ब लिया है। देखिए मोम हमनिया, देखिए चांद नौके। और बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं कमेंट कीजिएगा। टीवी आई बॉय ने पर लगा के देखी ना, अब चुप रहो, अब खेलो, बहुत ही जोड़ेगा, अब चुप रहो, ये खेलो, हम के चुप रहो, चुप रहो। इसमें का, इसमें की ये भी है। और बताइए फ्रेंड आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं कमेंट कीजिएगा। क्या बताएं, मेरी जिंदगी, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा ऐसा सिचुएशन मैं सोची भी नहीं थी कि ऐसा सिचुएशन मेरे साथ आएगा, पर क्या करूं। ऐसा नहीं, मेरे साथ शुरू से ही ऐसा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, बताऊंगी, वक्त लगेगा, टाइम आएगा तो ज़रूर बताऊंगी क्या हुआ था क्या नहीं। आजकल ऐसे लग रहा है कि जीने का भी मन नहीं कर रहा है, बस मेरा लड्डू है, लड्डू को देख के जीती हूँ, यही है मेरे लिए सब कुछ। आज लड्डू नहीं रहता तो हम शायद नहीं रहते, लड्डू ही है जो मुझे जिला रहा है। जिला रहे हैं, नहीं जिला रहे। शुरू से छोटी थी तब से तो माँ का छाया ही खत्म हो गया, उसके बाद
बोलते हैं कि शादी 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 शादी, अगर अच्छा से सेटल हो गया, शादी परिवार अच्छा मिल गया तो सब कुछ सही है। अगर अच्छा नहीं मिला तो मानिए कि वो ज़िंदगी नरक ही नरक है। वैसे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि जो मेरा ज़िंदगी नरक बन गया है। क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, बताने लगती हूँ तो घबराहट सी होने लगती है। आजकल लोग मेरे पीछे इतना हाथ धो हाथ पैर धुल के मतलब पीछे पड़ गए हैं कि क्या बताऊं। मैं सोची थी कि कुछ ना कुछ करूंगी अपने लाइफ में, जो कि मैं करना चाहती थी, करने वाली थी दो चार दिन में, पर सच में लोग बोलते हैं कि सोचा हुआ बात पूरा नहीं होता है। हाँ, हकीकत में ही हो हुआ मेरे साथ, जो सोचे थे वो नहीं हुआ। जीने लाइफ में जीने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, शायद मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, लड़ाई जितना तक होगा उतना तक तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सब कोई सोच रहा है कि इसको टॉर्चर करे टॉर्चर करे कुछ कर ले, पर मैं करने वाली नहीं हूँ ना कि करूँगी। आज से 6-7-8 साल पहले मैं ब्यूटिशियन सीखी थी, ब्यूटिशियन सीखी थी, सिलाई सीखी थी, कढ़ाई सीखी थी, सब सीखी थी खोलने के लिए ससुराल में, पर नहीं खुला। कोई बात नहीं, नहीं खुला थोड़ा थाड़ तो सिलाई तो पूरा मालूम है, कढ़ाई पूरा मालूम है, ब्यूटिशियन में सब कुछ मालूम है, थोड़ा बहुत भूल ही हूँ। सोच रही थी कि सीख लूँ, जाके सीख लूँ, पर वैसा सिचुएशन नहीं आया, नहीं सीख पा रही हूँ, पर सीखूँगी कहीं ना कहीं, सीखूँगी सीखूँगी, बस वेट कर रही हूँ, टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ। टाइम जब आएगा तो खुद में खुद सीख लूँगी, बस यही है। टॉर्चर करने वाले या कहने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं, बुराई बात करने के लिए ढूंढे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, पर कोई सपोर्ट करने के लिए जो है ना, कोई नहीं सपोर्ट करेगा, ना कि खर्चा चलाएगा, ना कि देगा। मज़ा लेने के लिए 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग जाएंगे, मैं तो जान गई हूँ। जब वक्त बुरा रहता है ना, तो उसे उसे संभालने में बहुत टाइम लगता है। आज संभालने में क्या, मेरा शादी 8-9 साल हो गया, 9 साल हो गया, 9 साल से मैं कभी आज तक अच्छे से नहीं रह पाई हूँ। क्या बताऊँ, बताऊँगी, कमेंट कीजिएगा आप लोग तो ज़रूर बताऊँगी, रखूँगी अपना बात। इसीलिए सोच के, सब सोच के मेरा बात कोई नहीं सुन रहा था, ना कि सुन रहा है, यही सब सोच के मैं नहीं सोचती थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोग से बातें करूँगी। सिचुएशन ही वैसा आ गया कि आप लोग से बातें कर पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, आप लोग के सामने बात रख रही हूँ। आप लोग बस दुआ कीजिए कि आगे बढ़े, सपोर्ट कीजिए कि आगे बढ़े, हम भी कुछ ना कुछ हासिल करें, अपने पैर पे खड़े हो जाए। बस आप लोग के सपोर्ट का ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं भी बहुत आगे तक जाऊंगी। बस आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज 4 दिन से इतना टेंशन हुआ है, इतना टेंशन कुछ मैं बता नहीं सकती। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, बस यही सब जानती हूँ कि मेरा एक लड़का है, यही है सब कुछ, बस
इसी के सहारे रहती हूँ, इसी के सहारे जीती हूँ। क्या करूँ जब अपना ही वैसा निकल जाए तो दुनिया में कोई नहीं है समझने वाला जो समझ सके। मेरे अपनों ने ही मेरे साथ बहुत गद्दारी कर रहे हैं, घात कर रहे हैं। हम भी छोड़ दिए हैं, करने वाले करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक ना एक दिन तो ज़रूर सिखाऊंगी सबको। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है मुझे, और कुछ नहीं कहूँगी। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो बहुत दिखाऊंगी, इन लोग को भी जवाब दूंगी उस लाइक। बस आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। चलिए फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, ये लीजिए। लाइट भाग गया था इसीलिए, लाइट भाग गया था इसीलिए रुक गई थी। अभी लाइट आया है, पूरा अंधेरा हो गया था इसीलिए बात करना बंद कर ली थी। ठीक है, मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना 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 राय दीजिएगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ठीक है, इसी पे करती हूँ वीडियो को एंड। ओके बाय, गुड नाइट। मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज। बाय बोलो लड्डू, बाय, हाथ से गुड नाइट बोलो। गुड नाइट बोल दो सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बोल दो, कीजिएगा सपोर्ट वीडियो को, कीजिएगा सपोर्ट वीडियो को। बाय बाय।